नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुकी है। हिंदुस्तान को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि खतरा अब आपके बहुत नजदीक पहुंच चुका है। यानी देश में कोरोना के नए वेरियंट कहा जाए ओमिक्रॉन की अब एंट्री हो चुकी है, हमारे देश में दस्तक दे चुका है ये नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन। खतरे की घंटी है और हम सबको सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। WHO भी यह बात मान चुका है कि महज 9 दिन के अंदर यह नया वायरस अब 30 देशों तक अपने पांव पसार चुका है, जो कि एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो भारत में कल पहले 2 केस मिलते हैं को इसके ओमिक्रॉन के, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु से मिलते हैं। पूरे देश में हड़कंप मचना लाजमी था क्योंकि इससे पहले कोरोना के केस बढ़ रहे थे जो डेल्टा प्लस के केसेस थे, लेकिन इसके अलावा ओमिक्रॉन का कल तक एक भी मामला सामने नहीं था। देखते ही देखते परसों तक ये सूची सिर्फ 23 देशों तक सीमित थी, लेकिन आज होते होते महज 24 से 36 घंटे के अंदर ये 30 देशों तक अपने पांव पसार चुका है। बहुत बड़ा खतरे के तौर पर इसे देखा जा रहा है और हमारा मकसद आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, हम आपको सावधान करना चाहते हैं क्योंकि ये नया वायरस जो है वो बहुत ज्यादा घातक है, पहले डेल्टा प्लस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये 6 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसके अलावा बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो एक एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है। अगर एक किसी शख्स को ओमिक्रॉन हो जाता है तो वो 30 से 35 लोगों में मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी एक बीमार शख्स 30 से 35 लोगों को बीमार कर सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर बात करें भारत की तो कल 2 केसेस मिले हमारे बेंगलुरु में, इसके अलावा कल दिल्ली में 8 लोगों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वो लोग हैं जिनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जो हाल फिलहाल में एयरपोर्ट से दिल्ली में एंटर हुए हैं। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को आज फिर LNJP अस्पताल पहुंचाया गया है, यानी करीब करीब 12 लोग LNJP में संदिग्ध भर्ती कराए गए हैं, जिनकी हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। टेस्टिंग के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं और इनके एडवांस टेस्ट कराए जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई ये लोग कोरोना पीड़ित हैं या फिर इन्हें ओमिक्रॉन हो चुका है। अगर ओमिक्रॉन की आहट है तो वाकई ये बहुत बड़े खतरे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 4 यात्री हाल फिलहाल में एडमिट कराए गए हैं दिल्ली के LNJP अस्पताल में, उनमें से 2 UK के रहने वाले हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन्हें भेज दिया गया है इनके सैंपल्स को, यानी इट्स ए वेरी एडवांस टेस्ट फॉर ओमिक्रॉन। और इसके अलावा ये लोग जो 2 UK से हैं, एक फ्रांस से है और एक नीदरलैंड का रहने वाला है। पूरे देश में इस वक्त हलचल का माहौल है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में बैठक की है, समीक्षा बैठक बुलाई है कि एयरपोर्ट पे हम क्या कुछ कर रहे हैं, हम कितनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा हमें क्या कुछ गाइडलाइंस बदलने की जरूरत है। वहीं बात करें अगर कर्नाटक सरकार की तो कर्नाटक में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें तमाम चीजों की समीक्षा की गई है कि बाहर से आने वाले यात्रियों पर किस तरह के नियम लागू किया जाए, क्या उन्हें क्वारंटीन में रहने के लिए भेजा जाए या फिर जो लोग बाहर से एकदम आ रहे हैं उन्हें किस तरह से उनके साथ पेश आया जाए, क्योंकि लगातार एक ही दिन में 2 मामले सामने आए हैं ओमिक्रॉन के कर्नाटक से ही, तो अपने आप में कर्नाटक सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। वहीं मिजोरम सरकार ने पहले से ही सख्त कदम अख्तियार करते हुए कोविड की गाइडलाइंस को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। राज्यों में केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, साथ ही साथ राज्यों को भी अलर्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर नए नए पैमाने के तौर पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं और साथ ही साथ नई गाइडलाइंस के बारे में भी विचार कर रही हैं। और वाकई अगर केसेस ज़्यादा होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द लॉकडाउन जैसे सख्त कदम भी अख्तियार किए जाएंगे देश में, क्योंकि आप समझिए इससे पहले 2020 में जब कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी थी तो उससे पहले हम बड़े फ्री थे, हमने ना मास्क लगाया था, ना हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे, ना ही हम कभी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मुद्दों पर बातचीत को लेकर सजग थे, लेकिन जैसे ही कोविड की एंट्री हुई, लॉकडाउन हुए, तब हमें ये सब चीज़ें समझ में आईं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप अभी से ही सतर्क हो जाइए, हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है लेकिन हम आपको सावधान करना चाहते हैं, सजग करना चाहते हैं कि खतरा बहुत बड़ा है। अगर आप ग्लोबली से देखें तो 9 दिन में जो वेरियंट 30 देशों तक फैल सकता है, एक बंदे से लगातार 30 से 35 लोगों में मल्टीप्लाई हो सकता है, अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना खतरनाक होगा। तो इसलिए सजग हो जाइए, सावधान रहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए,
क्योंकि अफवाह फैलाना, अफवाहों पर यकीन करना और उन्हें अपने सोशल मीडिया के जरिए फैलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। तो आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल मैं न्यूज़ रूम से रिपोर्टिंग कर रहा था, मैंने आपको अपने न्यूज़ रूम का सीन दिखाया कि किस तरीके से हम लोग न्यूज़ रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के पैमानों का पालन कर रहे हैं, किस तरीके से हम एक सिस्टम छोड़कर एक सिस्टम पर बैठ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी पूरी टीम है वो मास्क के साथ ऑफिस में बैठ रही है, हालांकि अब मैं स्टूडियो में हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ मास्क की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेला बंदा स्टूडियो में हूँ। तो आपसे मेरी अपील जरूर है कि आप कोविड की जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें, अपने आप को सुरक्षित रखें क्योंकि सावधानी में ही आपकी सुरक्षा छिपी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये मेरी जो जानकारी है वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें ताकि ये जागरूकता आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सके। अपने दोस्तों में इस मैसेज को सर्कुलेट कीजिए, जो अभी भी ओमिक्रॉन को लेकर सजग नहीं है उन्हें सजग कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है और एक आम और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप खुद भी सजग रहें और दूसरों में भी इस चीज को सर्कुलेट करें ताकि वो भी सजग हो सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।